नताशा बे। क्या बात है। सलामुअलैकुम। कैसी हैं? आप हैं? देखिए हमने माइक आपके लिए तैयार किया है। वाँ वाँ। ऐसा हो नहीं सकता आप हमारे शो में आए exactly. और हम शुरुआत गाने से ना करें। आ जाए जी नवीद उस साइड पे, आप इस साइड पे। अरे वाह, हो जाए। कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, दिल करता मैं तेनू वेखी जावा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होए, तेरे जिया मैनू दिसदा नी कोई। तू मेरा मैं तेरी होए, तेरे जिया मैनू दिसदा नी कोई। तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच, तेरी रावा विच नजरा बिछावा, दिल करता मैं तैनू वेखी जावा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा, नी तेरे जे या होर दिसदा। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हारे गाने को बर्थडे में कन्वर्ट कर दें, तालियां ऐसी बजवाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, मैंने बहुत शानदार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लीज आइए। माइक आप अपने पास ही रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज दो चार तो हो जाए, हो ही जाए। चले, but thank you Natasha, thank you so much for having me. I really like your show. Pleasure. और आपने partner भी अच्छा बुला लिया। अच्छा, मजा आने वाला है। हम gym partners भी हैं। We are gym partners and बहुत सारे shows हमने साथ जीते हैं। हम winner रह चुके हैं। अरे वाह, तालियां भाई फिर तो दो। एक क्या जीते? दोनों की दोस्ती के लिए था। अच्छा Natasha, very interesting story. Off breaker, यूं ही होता है ना क्रिकेट का ज्यादा। अच्छा, I didn't know about cricket. या मेनी पीपल डोंट नो अबाउट इट। मैं ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन लोग ले आते हैं फिर उसको एक चंक रह चुका है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। आप क्यों इसका जिक्र नहीं करते? इसलिए कि मतलब व्हाइल आई वाज डूइंग दीस थिंग्स, आई वाज नॉट श्योर व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ। सो आई जस्ट, बट यू प्लेड अंडर 19? या या, आई एंडेड अप, या आई एंडेड अप, यू डिडंट नो? नो, शी प्लेड अंडर 19। आई हैव रिप्रेजेंटेड कराची। प्रो ही तुम तो यार। तालियां भाई Natasha की यार। आई थिंक यू शुड, यू मस्ट टॉक अबाउट दिस मोर ऑफन, बिकॉज़ हमारे में और इस तरह की कहानियां इंस्पिरेशन कहां हमें देखा। एंड आई थिंक यू शुड प्ले फॉर पाकिस्तानी मेंस टीम आल्सो। आई एम श्योर यू हैव सम टैलेंट। मैं किसी को डिस नहीं करूंगी भाई। बट व्हाइल ग्रोइंग अप, व्हाट डिड यू वांट टू बी? सो आई वॉन्टेड टू बी एवरीथिंग, पर मुझे इवेंचुअली लगता है कि मुझे इंटरटेनर ही बनना था। क्योंकि मतलब बचपन में मैंने डिस्कवर नहीं किया था दैट आई कुड सिंग, अपनी आवाज़ का मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगता था कि शायद मैं जिस तरह मैं अपनी फैमिली में वो जो होते ना कि महफिल की जान होती थी कि बेटा जरा बोले चूड़ियाँ पे डांस तो करके दिखाना। जैसी म्यूजिक नहीं, मैं डांस बहुत करती थी, फिर अपने छोटे भाई को भी बहुत करवाती थी, उसको लड़की बनाती थी, खुद लड़का बनती थी। तो और उसके बाद जो है फिर मैं एक्टिंग पे भी बहुत ज्यादा मतलब मिरर को देख के ना अजीब गरीब एक्सप्रेशंस बनाना। तो प्रॉपरली एंटरटेनर। हाँ, वो एंटरटेनर वाला सीन था मेरे अंदर शायद। तो मुझे तो लगता वो करते था करते फिर क्रिकेट, वो करते करते पता नहीं फिर देन आई असल में मेरी स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे स्पोर्ट्स में ज़बरदस्ती धकेल दिया कि भाई तुम हुंजा की लड़की हो, तुम्हारे अंदर तो ताकत है, तुम्हें खेलना चाहिए। देन या कि मतलब वो वाली होता ना कि हमारी बिल्ड ऐसी है। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग, ऑब्वियसली मतलब बाकियों के हिसाब से आई वॉज गुड। तो उस तरह होते होते बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, तो क्रिकेट ऑल्सो वॉज वन ऑफ देम। आई वेंट टू द ट्रायल्स एंड I ended up playing under 17 and under 19. Mashallah. So yeah. But one would assume कि ये तो सही जा रही है आपकी trajectory as a cricketer. फिर singing कैसे आई बीच में? बस figuring out and stuff. So things that I was doing, I was okay. I was not outstanding. मतलब ठीक, सही है, खेल रही है, ठीक है, ये वाला scene था. लेकिन आई थिंक म्यूजिक मेरी लाइफ का वो पार्ट है जिसमें मुझे हुआ कि आई वॉज मेड फॉर दिस।
कि फाइनली आई फाउंड माय पैशन. बहुत सारे पैशंस में से ढूंढ ढूंढ के ये पैशन मिला मुझे, और ऐसा लगा जैसे सिंगिंग खुद मेरी लाइफ में आई. बहुत चीज़ों की तरफ मैं जा रही थी, सिंगिंग की तरफ मैं जा नहीं रही थी. इट केम टू मी. आपने अपनी, जैसे आप अभी बता रही हैं कि आपको कुछ टाइम लगा डिस्कवर करने में अपनी आवाज़. या डू यू रिमेंबर दैट दैट टाइम दैट फेज दैट मोमेंट? या आई मीन आई रिमेंबर सम इवेंट्स जिसमें जो है, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तो कोई मेला लगा हुआ था और वो स्टेज पर बच्चों को बुला के गवा रहे थे, तो मैं भी ऐसे ही चली गई और मैंने कुछ गा दिया और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि मैंने कितना अच्छा गा लिया था. आपको याद है आपने क्या गाया था? मुझे पता नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा. पता नहीं क्या, कोई पता नहीं. लोगों को याद होगा वहाँ शायद, बट वो क्योंकि वो था छोटी कम्युनिटी थी, दे ऑल रिमेम्बर्ड मी. मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, वाह आपने बहुत अच्छा गाया, और मैं कह रही थी यार ऐसे ही बोल रहे हैं. तो मैं चाह रहा था माइक आपके पास है तो दो लाइनें उसकी भी सुन लेते, लेकिन आपको याद नहीं. मुझे याद ही नहीं है, मैं कुछ और सुना दूंगी. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं. बात को भी 30-35 साल हो गए, बल्कि 50 साल हो गए. मुझे एग्जैक्टली पता है कितने साल होंगे. सो या एंड देन बीच बीच में हम लोग जब वैन में स्कूल जाते हुए अंताक्षरी खेलते थे, तो अंताक्षरी खेलते हुए जो है ना, सब लोग रुक गए और आई कंटिन्यू द सॉन्ग. तो उसमें लोग यूं हो गए, ओ माय गॉड. लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग आपने सिंगिंग में नहीं? नहीं, नहीं, फिर भी इतना अच्छा यार, जबरदस्त भाई. I wish God gifted talent. है ना, पर्टिकुलरली जो इसकी रेंज है, इसकी जो वॉइस है, और जो जिस तुम जॉनर में गाती हो, वो बड़े कम लोग हैं उसमें जिस तरह से गाने में. मतलब बगैर सीखे ऐसा गाना, तो आप बेहतर बताएंगे भाई. आप, मैं क्या बताऊँ, ये तो खुद बता रही है. बहुत अच्छा.